आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका सीना गदगद हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सफ़ी खान और आपने देखना शुरू कर दिया है SKJ TV। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम आपको ऐसे राजनेता से मिलाने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप बहुत खुश होंगे। दोस्तों, वो शख्स कौन है? वो शख्स है दोस्तों वर्तमान में वार्ड पंच बच्चू खान हनीफ सागर के। दोस्तों, चलिए देर किस बात की सुनते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे प्यारे लाडले शेरगेट के प्रधान साहब शरण सिंह जी जोधा साहब और पंचायत समिति सदस्य पूरन सिंह जी और भाई अपने दादू खान जी सरपंच, पूर्व सरपंच मुसे खान जी और देवीगढ़ के सरपंच, सब मुंज अतिथि गण और सारे वार्ड पंच गण, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, बच्चों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रधान साहब ने बहुत ही बड़ा कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच इधर चलकर आए, बहुत ही बड़ा धन्यवाद। क्योंकि वोट देने के बाद आज दिन तक हम प्रधान साहब से मिलने तक नहीं गए, प्रधान साहब खुद हमसे मिलने आए, ये भी हमारी कमी है। हम जाकर के मांग ही नहीं करते हैं, फिर बाद में कहते हैं प्रधान साहब ने कोई काम नहीं करवाया, हम मांग करने जाते ही नहीं है। आपको भी जाना चाहिए, प्रधान साहब से मिलना चाहिए। प्रधान साहब कई बार कहते हैं कि मिलने ही नहीं आते आप, अभी भी आते ही वक्त बोले कि आप मिलने ही नहीं आते हो। इसलिए सबसे गुजारिश है कि आप मिलते जुलते रहें, आते जाते रहें, तब आपका जाके काम भी होगा और आगे से आगे जुड़ाव भी रहेगा। प्रधान साहब ने यहाँ हनीफ सागर में तो पहले सरपंच रहे आप 15 साल तक, तो विकास की तो मतलब झड़ी लगा रखी थी, हर घर में टांके। हनीफ सागर एक छोटा सा इलाका और छोटा सा गांव है जिसमें 9 हैंडपंप करवाए, बहुत ही बड़ा काम करवाया है प्रधान साहब ने हनीफ सागर में। और हनीफ सागर चलकर मीरपुरा में पंचायत में जुड़ गया तो थोड़ा सा पछतावा हुआ, लेकिन प्रधान साहब हमारे साथ पीछे पीछे जुड़ गए। इसलिए प्रधान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा प्रधान साहब को कि हमारे यहाँ मदरसे की बाउंड्री का थोड़ा कृपा करावें और आगे जो भी काम है आपके लायक आप करते रहे, हमारा लायक का काम होगा आपके लायक हम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सरपंच बोला, धन्यवाद।